नमस्कार आपके साथ मैं हूं अमित रतूड़ी और आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज़ उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है बीते 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे के दौरान लगभग 5000 के आसपास यानी 4800 से ज़्यादा मामले देखने को मिले हैं और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली जो तस्वीर है फर्स्ट वेव हो चाहे सेकेंड वेव हो और अब थर्ड वेव की जो दस्तक जिस तरीके से दी है कोरोना ने उत्तराखंड में तो वहाँ पर देहरादून में जो मामले हैं सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं इन्हीं सब बातों पर बात करने के लिए हम पहुंचे हैं देहरादून के सीएमओ दफ्तर में और हमारे साथ पूरी बातचीत करेंगे देहरादून के सीएमओ डॉक्टर मनोज उप्रेती जी सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सवाल यही रहेगा कि कोरोना को लेकर सर जिस तरह से रफ्तार बढ़ रही है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर देहरादून ज़िले में क्या कुछ व्यवस्थाएँ आपकी तरफ से दिए गए हैं जिस तरह से आप देख रहे हैं कि तीसरी लहर में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और इन्फेक्ट आदमी ये समझिए कि हर तीसरा आदमी जो है इन्फेक्टेड है तो इसको देखते हुए हमारी व्यवस्थाएं तो हमने सेकंड वेव के बाद से शुरू कर दी थी और आज की तारीख में हमारे पास हमारे जो अस्पताल हैं उनको हमने काफ़ी कुछ वेल well इक्विप किया है साथ में हमारा जो मेडिकल उसमें मेडिसिन डिपार्टमेंट है उसको भी हमने uh, दवाइयों की कोई कमी नहीं है डॉक्टर्स की ट्रेनिंग पे हमने ध्यान दिया है सारे डॉक्टर्स को ट्रेन किया है आईसीयू वर्किंग के लिए हमारे जो स्टाफ है स्टाफ नर्सेज हैं और जो और कर्मचारी हैं उनको भी हमने ट्रेनिंग दी है और ये ट्रेनिंग्स बराबर चलती रही हैं तो आज की तारीख़ में देखें तो हम लोग हर हमारा चिकित्सालय जो बड़ा चिकित्सालय है उससे लेकर के हमने छोटे चिकित्सालय वहाँ पर भी हमने दो बेड्स और ऑक्सीजन की व्यवस्था की है तो आज की तारीख़ में हमारे पास ऊपर से लेकर के नीचे तक जो है वो किसी भी मरीज़ को देखने के लिए ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था है आ, हमारे तीन या चार सेंटर्स पे जो है तीन सेंटर्स पे ऑक्सीजन प्लांट्स लग चुके हैं और हर अस्पताल में जो छोटे और बड़े अस्पताल हैं उनमें सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन लगी हुई है जहाँ पर कि ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाएगी हर बेड पर जो है ऑक्सीजन मिलेगी तो ये देखते हुए हमारी तैयारियां तो बेहतर हैं और ऊपर वाले का शुक्र है कि इस समय जो केसेस आ रहे हैं उसमें इतनी ज़्यादा वो घातक नहीं है इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन जो मरीजों का वो कम हो रहा है तो उसको देखते हुए थोड़ा सा राहत है और लोग अपनी जा, जांच करवा रहे हैं और घरों में ही आइसोलेट हो रहे हैं दवाइयाँ खुद ले ले रहे हैं या डॉक्टरों की सलाह से ले रहे हैं साथ में हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जो मेडिकल किट्स हैं उन तक हम पहुँचाएँ सर एक चीज और ये जाने की कोशिश करेंगे सर जिस तरह सेकेंड वे में जो मारामारी देखने मिली, को मिली ऑक्सीजन को लेकर साथ साथ दवाइयों को लेकर जो देखने को मिली थी जो ये वेव है मामला जरूर लगातार बढ़ रहा है जिस तरीके से आपने कहा कि हाँ इतना जरूर है कि लोग घर पे आइसोलेट होकर सही हो रहे ये किस तरीके का वेरियंट है एक ओमिक्रॉन भी है किस तरीके का ये चीज़ है मतलब देखिए अभी तक जो जीनोम सैम्पलिंग की गई है जीनोम सिक्वेंसिंग में दिखाई पड़ा है कि लगभग Uh, 54 परसेंट के करीब यहाँ पर जीनोम uh, सीक्वेंसिंग के बाद जो रिजल्ट आए हैं उसमें ओमिक्रॉन मिला है तो ओमिक्रॉन uh, के केसेस हैं प्लस इन्फेक्टिविटी जिस तरह से दिखाई पड़ रही है उसमें शक यही होता है कि ओमिक्रॉन ही सबसे ज़्यादा इस समय वेरियंट दिखाई पड़ रहा है और इतना है कि इस वेरिएंट से इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता बहुत ज़्यादा तेज है लेकिन रिकवरी रेट इसका अच्छा है बड़ी तेज़ी के साथ लोग रिकवर भी हो जाते हैं और सात दिन में निगेटिव हो जा रहे हैं और अपने काम पर भी आ जा रहे हैं आफ्टर सेवन डेज सर जी और जिस तरीके से सेकेंड वेम के दौरान कुछ प्राइवेट जो लेब्स थी जिनको ऑथोराइज था मतलब कि आप आरटीपी टी टेस्ट कर सकते हैं ये इस अभी आज की हम बात करें तो अभी कुछ ऐसे आपकी तरफ से निर्देश दिए गए कि लेब्स को कि आप टेस्ट कर सकते हैं और कितने रेट पर कर सकते हैं या आने वाले समय अगर अभी नहीं किए गए हैं तो आने वाले समय किस तरह तो तो देखिए जो पूर्व में दिशा निर्देश दिए गए थे लेब्स को उसी वही चल रहा है और उसी के हिसाब से जाँचें हो रही हैं कोई रिवाइज अभी रेट्स में ऐसा नहीं हुआ है अब ये तो बहुत एक लंबी लिस्ट है तो ये हमारी प्राइवेट लैब्स कर रही हैं बाहर जो लोग प्राइवेट में जाँच कराना चाहते हैं तो वहाँ तक जा सकते हैं और अपना सैंपल दे सकते हैं उनको, उन्होंने कुछ लैब्स ने घर घर जाने की उसमें फैसिलिटी भी दी है तो वो लोग होम सैंपलिंग भी कर लेते हैं सही सवाल ये रहेगा जिस तरह से हमने देखा है अभी कुछ दिन पहले कि निजी लैब्स के ज़रिए कुछ जो मैंने वैक्सीन लगाने नाम पर जो कुछ बात आ, सामने आई थी क्या कुछ दिशा निर्देश आपकी तरफ से रहेंगे क्या सख्त हिदायत रहेगी ऐसे लोगों को कि जो वैक्सीन लगाने नाम पर लोग ठगी करते हैं या ज़्यादा पैसा ठगते हैं लोगों से हाँ पिछले दिनों कुछ ऐसी शिकायत एक दिन आई थी हमारे पास कि लोग जो हमने फ्री वैक्सीन सप्लाई की है उसको कुछ पैसा ले करके जो है वो लगा रहे हैं तो उसके बाद हमने एक दिन के लिए सभी प्राइवेट चिकित्सालयों के वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी थी लेकिन उन लोगों से जब हमने लिखित आदेश प्राप्त किए और उनसे उन्होंने अपने क्लैरिफिकेशन दिया है तब से हमने इस पोर्टल को फिर से खोल दिया है उनके लिए यदि भविष्य में कोई इस तरह की शिकायतें आती है तो उसके उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी और उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा वैक्सीन जिस तरह से लग रही है बूस्टर डोज भी लगना शुरू हो गई है और ख़ास बात यह है कि पंद्रह से अट्ठारह साल वालों को लगनी शुरू हो गई तीन तारीख से शुरू हुआ था पंद्रह से अट्ठारह साल की बात करेंगे तो कितना उत्साह देखने में मिला अभी तक कितना हमने अचीव कर लिया है माइल्ड देखिए पंद्रह से अठारह सत्रह साल का हैं अठारह नहीं पंद्रह से सत्रह साल में हमने जो किया है वो लग लगभग चौवन परसेंट से ऊपर हम लोग चले गए हैं अभी और स्कूल्स बंद हैं जो अभी कुछ दिनों में स्कूल खुल जाएंगे तो ये परसेंटेज भी बढ़ जाएगा आपकी अवसर ये रहेगा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिस तरह से बढ़ रहा ओमिक्रॉन भी आप आम जनता को क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे आम जनता को हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो मास्क लगाएँ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाया है तो वैक्सीनेट होइए जल्दी से जल्दी अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको भी प्रेरित करिए वैक्सीनेशन के लिए धन्यवाद सर तो ये थे हमारे साथ सीएमओ देहरादून डॉक्टर मनोज चौपरेती जी साफ़ तौर पर सारी जानकारी दी है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भी बात कही है ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है साथ साथ बड़ी बात यह है कि आपको डरना नहीं है आपको जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना है मास्क लगाना है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और वैक्सीनेट आपको ज़रूर होना है देहरादून से देवभूमि न्यूज़ के लिए अमित रतु की रिपोर्ट